अगर भैया हम लोग सीटी एग्जाम में 120, 130, 140 मार्क्स स्कोर करते हैं तो हमें कितने परसेंटाइल आ सकते हैं? आप लोग ने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को विद प्रॉपर एनालिसिस, यहाँ पे देखो आपके परसेंटाइल का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, 100 इनटू नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद द रॉ स्कोर एंड लेस देन, इवन लास्ट ईयर जो है 45 मार्क्स पे जो है एक बच्चों को सिर्फ 6 परसेंटाइल मिला था 45 मार्क्स। डिफिकल्ट जितना ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट आएगा ना उसमें आपका ही फायदा है। कैसे है अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिफिकल्ट शिफ्ट में ना वो डिफिकल्ट शिफ्ट सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, इवन टॉपर के लिए भी वो डिफिकल्ट होता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अगर भैया हम लोग सीटी एग्जाम में 120, 130, 140 मार्क्स स्कोर करते हैं तो हमें कितने परसेंटाइल आ सकते हैं? देखो इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को विद प्रॉपर एनालिसिस, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने सीटी एग्जाम दी थी उनके कितने परसेंटाइल आए थे, आउट ऑफ 200 उन्होंने कितना मार्क्स स्कोर किया था एंड उनके परसेंटाइल क्या आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड उनकी शिफ्ट क्या थी, डिफिकल्ट थी, मॉडरेट थी, एवरेज थी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। क्योंकि आपके जो परसेंटाइल है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, आपके परसेंटाइल जो है वो काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपका शिफ्ट में जो हाईएस्ट स्कोर है वो उस कितना हाईएस्ट स्कोर है, आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी, डिफिकल्ट थी, ईजी थी, वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। और सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि अगर आप ये रेंज में मार्क्स स्कोर करते हो और अभी आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जो भी आपका स्कोर आ रहा है तो अभी आप कितने परसेंटाइल स्कोर कर पा रहे हो, सीटी एग्जाम में आप कितने परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो विद प्रॉपर एनालिसिस हम लोग देखने वाले। और परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीटी सेल जो है परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करके सीटी सेल जो है परसेंटाइल कैसे देते हैं स्टूडेंट्स को, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले विद प्रॉपर एनालिसिस। आप लोग ने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को विद प्रॉपर एनालिसिस विद पूरी डिटेल चीजें सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आप सभी स्टूडेंट्स को क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इसी चैनल से जो है आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे एडमिशन जर्नी में, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आप सभी स्टूडेंट्स की मैं हेल्प करने वाला हूँ। ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको जो है कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स आएंगे एडमिशन के टाइम पे, वो सारी चीजें हम लोग जो है लास्ट 3 साल से मैं करते आ रहा हूँ। आप जाके वीडियोस देख सकते हो, नियर अबाउट 350 से 400 वीडियोस जो है काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस हम लोग ने पोस्ट किए, नियर अबाउट 300+ वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे और इस साल भी आप सभी स्टूडेंट्स की मैं हेल्प करने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि परसेंटाइल जो है, सीईटी जो परसेंटाइल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीईटी सेल जो है परसेंटाइल आपका विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब भैया ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। सीटी सेल वालों ने नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे एक पीडीएफ हम लोग को दिया है, डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन, आपके परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे सीटी सेल ने सारी चीजें एक्सप्लेन की है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका परसेंटाइल का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, 100 इंटू नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द सेशन विद द रॉ स्कोर एंड लेस देन इज इक्वल्स टू द कैंडिडेट स्कोर टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इन द सेशन। अभी ये सारी चीजें नहीं समझेगी आपको, मैं अभी आपको समझाऊंगा, सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखो, इन दिस मेथड ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट रॉ स्कोर इन ईच पेपर इररेस्पेक्टिव ऑफ द रॉ स्कोर विल बी द 100 परसेंटाइल इंडिकेटिंग दैट द 100% ऑफ द कैंडिडेट हैव स्कोर इक्वल टू और द लेस देन द हाईएस्ट स्कोरर और टॉपर फ्रॉम दैट सेशन। कोई भी शिफ्ट में अगर कोई भी स्टूडेंट हाईएस्ट स्कोर, समझो एक कोई शिफ्ट है उसमें 170 हाईएस्ट स्कोर गया, तो वहां पे 170 मार्क्स जिसने स्कोर किया उसको 100 परसेंटाइल मिलेंगे एंड बाकी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 170 से बिलो स्कोर किया है उन सभी स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग उनको जो है 170 मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको परसेंटाइल असाइन किया जाएगा, वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। बाकी देखो ये डे वन बैच वन है, जैसे आपका शिफ्ट वन होता है यहाँ पे, यहाँ बी वन मतलब वो बैच वन लिखा है, समझो यहाँ पे 2000 बच्चों ने अराउंड 2200 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कितना आया है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर आया है 154 और लोएस्ट स्कोर देखो 1 आया है। अभी यहाँ पे तो लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 1 दिया है, लेकिन हर एक शिफ्ट में ना लोएस्ट स्कोर नियर अबाउट आपका लोएस्ट स्कोर जो है ना 25-30 मार्क्स जाता है और ये 25-30 मार्क्स वाले को ना डायरेक्टली 0% मिलते हैं, डायरेक्टली 0%। इवन 25-30 मार्क्स स्कोर करने के बाद भी बच्चों को 0% मिलता है, क्योंकि परसेंटाइल ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, हाईएस्ट स्कोर को सबसे ज्यादा परसेंटाइल, लोवेस्ट स्कोर को सबसे कम परसेंटाइल। लोवेस्ट स्कोर होगा, जितना ज्यादा लोवेस्ट स्कोर होगा आपको डायरेक्ट 0%। इवन लास्ट ईयर जो है
45 मार्क्स पे जो है एक बच्चे को सिर्फ 6 परसेंटाइल मिला था 45 मार्क्स पे, 45 मार्क्स स्कोर करने के बाद भी जो है 6 परसेंटाइल मिला था लास्ट ईयर। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आगे बताता हूँ कैसे जो है परसेंटाइल यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझेगी। कैसे आप समझोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डे वन और बैच वन, डे वन और बैच वन मतलब पहला दिन और शिफ्ट वन समझ लो, ठीक है, बैच वन मतलब शिफ्ट वन समझ लो। अभी यहाँ पे देखो रॉ स्कोर जो है 38 आया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 30 आया है, एंड देन मैथमेटिक्स में कितना आया 86, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया इसका 154। अब 154 पे जो है इसको कितने परसेंटाइल मिल गए 100 परसेंटाइल। देखो यहाँ पे 154 100 परसेंटाइल, 153 99.91 समथिंग, 153 99.9। यहाँ पे देखो 7 डिजिट में आपके जो परसेंटाइल है वो 7 डिजिट, सीटी सेल जो है इतना प्रिसाइज आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करके देता है, क्योंकि सेम मार्क्स पे जो है ना ऐसे सेम मार्क्स पे जो है ना काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 120 मार्क्स स्कोर करने वाले हजारों बच्चे है, उनको सेम परसेंटाइल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो सीईटी सेल जो है ना नियर अबाउट यहाँ पे 7 डिजिट आपको एकदम प्रिसाइसली आपको 99 पॉइंट ऐसे आपको परसेंटाइल देता है। और यहाँ पे देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका स्कोर जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे आपके परसेंटाइल पूरे डाउन होते जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे होता है कि आपका जो हाइएस्ट स्कोर है, आपका हाइएस्ट स्कोर यहाँ पे कितना है 154 है, 154 पे 100 परसेंटाइल, यहाँ पे समझो 160 है तो 160 पे 100 परसेंटाइल, ये शिफ्ट वन का हो गया। अभी शिफ्ट टू का देखो, यहाँ पे शिफ्ट टू का 157 पे आपको 157 पे 100 परसेंटाइल मिले हैं, और यहाँ पे 154 पे देखो 153 पे 99.86, शिफ्ट वन में 90 यहाँ पे कितना मिल रहा था 153 पे, यहाँ पे देखो 90 यहाँ पे सेम मार्क्स है 153 और यहाँ पे भी 153 99.91 और यहाँ पे देखो 99.86। ऐसे आपके परसेंटाइल आपके जो टॉपर होता है आपके शिफ्ट में आपके टॉपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंटाइल आएंगे एंड आपकी शिफ्ट क्या आती वो सारी चीजें। देखो यहाँ पे 161 हाईएस्ट स्कोर गया है, 161 को कितना मार्क्स मिल रहा है 100 परसेंटाइल, 157 परसेंटाइल स्कोर करने के बाद भी इसको कितना मिल रहा है 99.91 परसेंटाइल 99.91 परसेंटाइल, और यहाँ पे 3 मार्क्स पे देखो 0 परसेंटाइल, 2 मार्क्स पे भी 0, 1 मार्क्स पे भी 0 परसेंटाइल, ऐसे होता है कैलकुलेट, ठीक है। समझा ये सारे स्टूडेंट्स को कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये पीडीएफ की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये नॉर्मलाइजेशन का डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अभी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है, मैं आपको तीनों शिफ्ट एनालिसिस करके बताऊंगा विद प्रॉपर एनालिसिस। लास्ट ईयर जितने सारे स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग, मैं यहाँ पे आपको एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बताऊंगा। और सबसे पहले हम लोग डिफिकल्ट शिफ्ट की ही बात करेंगे, डिफिकल्ट जितना ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट आएगा ना उसमें आपका ही फायदा है। कैसे है अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिफिकल्ट शिफ्ट में ना वो डिफिकल्ट शिफ्ट सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, इवन टॉपर के लिए भी वो डिफिकल्ट होता है। और वो टॉपर वहां पे डिफिकल्ट शिफ्ट में कहां पे आके अटक जाता है 160-165 मार्क्स पे, वहीं पे आके अटक जाता है। एंड समझो आपकी प्रिपरेशन 120 मार्क्स की हुई है तो उस डिफिकल्ट शिफ्ट में आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स कम होंगे, 110 आएगा, लेकिन वो 110 मार्क्स डिफिकल्ट शिफ्ट में, 110 मार्क्स अगर आप डिफिकल्ट शिफ्ट में स्कोर कर रहे हो आपके परसेंटाइल जो है काफी अच्छे आएंगे, लेकिन अगर वही 110 मार्क्स अगर आप इजी शिफ्ट में स्कोर कर रहे हो तो आपके परसेंटाइल बहुत कम आ सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल अभी 165 मार्क्स पे, 165 प्लस मार्क्स आते हैं, आपने आर्या पांडे का इंटरव्यू देखा होगा, 164 मार्क्स थे उसके, 164 मार्क्स थे, नाइन्थ में शिफ्ट वन का पेपर था उसका, नाइन्थ में शिफ्ट वन का पेपर 164 मार्क्स पे उसको कितना मिला था 99.94 परसेंटाइल। आपने इंटरव्यू देखा होगा, पूरा इंटरव्यू अवेलेबल है विजेटीआई सीएस में, इसको एडमिशन मिल गया 99.94, 164 पे मिला है, ठीक है। 165 पे देखो 99.9 के ऊपर ही जो 7 डिजिट आता है ना आगे 90001 7, 99.9 के अबो ही आपको परसेंटाइल आएंगे अगर डिफिकल्ट शिफ्ट में। 150 से 160 के रेंज में आपको कितना आएगा 99.0 से लेके 99.9 के परसेंटाइल, इस रेंज में आपको आएगा। देखो यहाँ डेसिमल के बाद 7 डिजिट है, उस 7 डिजिट में देखो यहाँ पे 150 से लेके 160 मार्क्स स्कोर करते हो तो 99 परसेंटाइल आएंगे, 99.0 समथिंग ऐसे, 99.23 99.45 ऐसे परसेंटाइल आपको आएंगे। उसी तरह देखो 150 मार्क्स से 140 से 150 मार्क्स के रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके परसेंटाइल जो है 98.50 समथिंग तक आ सकते हैं, 98.50।
यहाँ पे देखो 130 पे 130 से 140 के बीच में 98 परसेंटाइल, 120 से 130 96 टू 97 परसेंटाइल, 100 से लेके 120 के बीच में कितने परसेंटाइल बन रहे 95 टू 96 और 80 से लेके 100 90 टू 94। ठीक है, फिर से एक बार देख लो परसेंटाइल कितने कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहे। जितना ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट होगा उसमें आपका ही फायदा होगा। डिफिकल्ट शिफ्ट में आप देखो 100 से 120 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आप 95 टू 96 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो और ये 96.50 भी जा सकता है। डिफिकल्ट शिफ्ट आपके शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 165 हाईएस्ट स्कोर है तो इजीली आप जो है 96 अबो भी परसेंटाइल आप यहाँ पे इस रेंज में अगर आप लाई कर रहे हो 100 से लेके 120 तो 96 के अबो भी आप परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। लेकिन हमेशा आप क्या टारगेट करो, हमेशा जो है ना ये 140 से लेके 150 मार्क्स के इधर यहाँ पे टारगेट करो, क्योंकि यहीं पे जो है 98 पॉइंट अबो समथिंग में ही आपको जो है टॉप 10 कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप CSIT में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 140 प्लस मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम अगर CSIT में एडमिशन लेना चाहते हो, वो भी एक रेपुटेड कॉलेज में। तो आप क्या करना है, आपको टारगेट क्या करना है 140 से लेके 150 मार्क्स। अभी देखो ये सब कुछ आप कहाँ से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लास्ट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। अभी हम लोग डिफिकल्ट शिफ्ट की देख लिए, अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो मॉडरेट शिफ्ट में कितने आ सकते हैं, आपके परसेंटाइल कितने बन सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल देखो, मॉडरेट शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा जो टॉपर होगा वो थोड़ा और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है मॉडरेट शिफ्ट में। तो 170 प्लस अगर वहां पे हाईएस्ट स्कोर जा रहा है तो 99.90 समथिंग आपको परसेंटाइल मिलेंगे। ठीक है, देन 150 से लेके 160 99 परसेंटाइल आएगा। देन उसके बाद देखो 140 से लेके 150 मार्क्स पे जो है 98 टू 99 परसेंटाइल तक आ सकते हैं, 140 से लेके 150 मार्क्स तक। 130 से लेके 140 मार्क्स में कितने परसेंटाइल बन रहे आप सभी स्टूडेंट्स के, 96 टू 97। देन 120 से लेके 130 में 95 टू 96, 100 से लेके 120 तक 92 टू 95, 80 से लेके 100 में 95 टू 90 परसेंटाइल। एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, जो भी कंपटीशन होता है ना वो यहीं तक होता है, 170 से लेके 140 तक इस रेंज में ही होता है। बाकी जो नीचे के मार्क्स आएंगे ना आपके, जैसे जैसे आपके मार्क्स नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे परसेंटाइल बहुत ज्यादा आपका गिरते चले जाएगा। अगर आप सपोज यहाँ पे मैंने 80 से लेके 100 लिखा है, अगर मॉडरेट शिफ्ट में सपोज आपने सपोज 65 स्कोर कर लिया या फिर 75 स्कोर कर लिया, तो 65 वाले को डायरेक्टली जो है मॉडरेट शिफ्ट में आप डायरेक्टली अगर इसके एनालिसिस के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली आपका जो परसेंटाइल है वो नियर अबाउट 60 परसेंटाइल तक आ सकता है और यहाँ पे 70 परसेंटाइल तक आ सकता है। इसी में एक डेंजर जोन भी होता है, अगर आपके मार्क्स 70 अबो नहीं आ रहे, 80 अबो नहीं आ रहे ना, 80 से बिलो आ रहे ना, तो इसका मतलब आप डेंजर जोन में। अब वहां पे जो है पूरा का पूरा आप लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। अगर बिलो 80 आ गया ना तो वहां पे आपके जितने मार्क्स आ रहे उसके कम परसेंटाइल आएंगे, 80 अबो मार्क्स आ रहे तो वहां पे आप जो है सेफ परसेंटाइल, आपके अच्छे परसेंटाइल आने के चांसेस है। लेकिन अगर आप 80 से भी नीचे स्कोर करोगे ना तो आपके जितने मार्क्स है उतने भी परसेंटाइल भी नहीं आएंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, 45 मार्क्स पे 6 परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर, 45 मार्क्स एक स्टूडेंट ने स्कोर किया था, काउंसलिंग का ही मेरा स्टूडेंट था, वो 6 परसेंटाइल आया था उसका लास्ट ईयर, 6 परसेंटाइल सिर्फ। तो डेंजर जोन में जाना नहीं है, बिलो 80 जो है वो डेंजर जोन है, बिलो 80 मतलब डेंजर जोन होगा। अगर आप 80 से ऊपर अच्छा स्कोर कर रहे हो तभी कुछ आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है और CSIT के लिए 140 मार्क्स तो लेके ही आना है आपको। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं इजी शिफ्ट का, इजी शिफ्ट का आपको बता देता हूँ। इजी शिफ्ट में देखो 180 तक स्कोर जाता है, इजी शिफ्ट में 180 तक स्कोर जाएगा। अब इजी शिफ्ट में जो है आपके परसेंटाइल कम हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद भी आपके परसेंटाइल कम हो जाते हैं क्योंकि हाईएस्ट स्कोर जो है वो 180 चले जाता है, देन यहाँ पे 99.9 समथिंग। अब लेकिन 2023 से जो है ना ऐसा कोई भी एक पेपर ऐसा नहीं था कि जो इजी था, 2023 के जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक जेई लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो वहां पे नियर अबाउट जो भी जितनी भी सारी शिफ्ट थी वो सारे के सारे डिफिकल्ट थे या तो मॉडरेट थे, और अगर सपोज कोई एकाधा शिफ्ट जो है अगर इजी आ जाता है या तो फिर एकाधा स्टूडेंट ऐसा निकल जाता है जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसने इस एग्जाम में जो है 180 तक स्कोर कर लिया, तो आपके पूरे के पूरे परसेंटाइल जो है आपके उस वो एक बंदे के वजह से पूरे के पूरे परसेंटाइल आपके गिर जाएंगे, वो एक बंदे के वजह से, वो एक स्टूडेंट के वजह से आपके पूरे के पूरे परसेंटाइल गिर जाएंगे। तो कैसे देखो, यहाँ पे 160 से 170 पे 99 आएगा, 150 से लेके 160 पे आपको 98 से लेके 99,
140 से 150, 96 टू 97 परसेंटाइल, 120 से लेके 140 में कितने परसेंटाइल आएंगे आपके, 95 टू 96। उसी तरह बाकी के सारे परसेंटाइल देख सकते हो, 80 से लेके 100 तक, 80 से लेके 88 परसेंटाइल तक आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इजी शिफ्ट में अगर आप 80 बिलो भी जाओगे ना तो आप डेंजर जोन में हो, समझे। कोई भी शिफ्ट रहने दो, हार्ड रहने दो, मॉडरेट होने दो या फिर इजी रहने दो, बिलो 80 तो मतलब आप डेंजर जोन में हो, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं। बिलो 80 मार्क्स पे कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है, टीयर 3 कॉलेज मिलेगा और उसमें लेके एडमिशन कुछ नहीं कर पाओगे, 4 साल आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो अभी भी आपके पास लास्ट के कुछ टाइम बाकी है, 10 दिन बाकी है, और डेली आप सभी स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैथ्स के लिए। अब वो वीडियोस देखो, 2023 के जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वहां से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको एटलीस्ट जो है 130 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, इसके ऊपर कल ही मैंने एक वीडियो भी डाला है, मिशन टॉप 10 कॉलेज और 130 मार्क्स कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए, वो चैप्टर्स को जितना जल्दी हो सकता है प्रिपेयर करो। वो फिर से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, वो वीडियो जाके देखो, और उस वीडियो में जो भी चीजें हम लोग ने डिस्कस की है, जैसे फिजिक्स के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स बताए, मैथमेटिक्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स बताए, एंड केमिस्ट्री के लिए भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स बताए, वो अगर आप कर लिए ना तो 130 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो। और लास्ट मोमेंट में आप जितना ज्यादा टेस्ट दोगे ना उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है। आप अगर ये लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे 2023 के जो पेपर है, ये 2023 के ये 12 शिफ्ट के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना तो इजीली आपका परसेंटाइल जो है ना नियर अबाउट 95 प्लस परसेंटाइल आ सकता है। अगर आपने ये 2023 के 12 शिफ्ट के पेपर सॉल्व किए, इसमें नियर अबाउट आपके 1800 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ट्राई करो, जितने मैक्सिमम पेपर आप सॉल्व कर सकते हो लास्ट मोमेंट में सॉल्व करो। और देखो अभी और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है और नया चैप्टर को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। तो मतलब अभी लास्ट के 5 दिन ही आपके पास कुछ भी अगर आपका बैकलॉग है तो उसको जितना जल्दी हो सकता है कवर कर लो, ठीक है। ठीक है, माइंड मैप्स जो है सारी चीजें आपको अवेलेबल है, ट्राई करो डेली फुल लेंथ टेस्ट देने का। इस मोमेंट में एक एक फुल लेंथ टेस्ट दो। देखो सिलेबस खत्म होने का वेट बिल्कुल भी मत करो, किसी का भी सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है लास्ट मोमेंट तक, एंड ऑफ द डे तक किसी का भी सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। अगर सीटी पोस्टपोन भी हो गई ना तभी भी किसी का भी सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है। तो ये मिथ होता है सिलेबस खत्म होगा तब मैं फुल लेंथ टेस्ट दूंगा या दूंगी। फुल लेंथ टेस्ट आपको देना स्टार्ट करना है, भले आपकी 40-50% जितनी भी प्रिपरेशन हुई है, फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो। 80 मार्क्स आने दो, 70 मार्क्स आने दो। अगर वो मार्क्स आ रहे हैं ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल कौन सी लेवल की आपकी प्रिपरेशन हुई है, आपको कैसे आपको और इम्प्रूव करना है खुद को, और कैसे जो भी वीक टॉपिक्स है उसको कैसे फिर से कवर करके, वो सारे जितने वीक टॉपिक्स है उसको फिर से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके फिर से फुल लेंथ टेस्ट दो, फिर से आपका देखो स्कोर कितना इंप्रूव हो सकता है। तो फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो बूस्टर बैच, ठीक है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना उसके लिए। आई होप सो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर और एक ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।